नेता बीजेपी जुड़ गए, अजय वर्मा नेता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आरके मिश्रा जी, आपका ये रुख कर लेते हैं। शाम को प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, अगली सरकार एनडीए बनाने जा रहा है, आपकी उम्मीदें? राजीव जी, एक चीज यहाँ हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जो कि एक ऐतिहासिक पल है और निश्चित तौर पर देश को तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो देश को मिलने जा रहा है। हमने देखा होगा कि ये 1962 का के बाद अगर हम देखेंगे तो ये पल दूसरा ऐसा पल है जहाँ पर तीसरे टर्म में अगर वो सरकार अगर रिपीट हो रही है, वही चेहरे रिपीट हो रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल है। इस चीज को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। मैं आपसे मैं 10 मिनट पहले जुड़ चुका था, लेकिन मैं हर एक का कमेंट सुन रहा था, मैं हर एक रिमार्क सुन रहा था। मुझे लगता है कि जो बातें आ रही है सामने में, राजीव जी मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी बोले। हाँ राजीव जी, देखिए मैं एक चीज बार बार कहते हैं, जो कि मोदी जी जो पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुके हैं और गठबंधन का वो सरकार अभी तक नहीं चला है, तो शायद उसमें कहीं ना कहीं कठिनाइयां आए। मुझे लगता है जो कि ऐसे अनुभवी व्यक्ति, ऐसे अनुभवी नेता, ऐसे अनुभवी प्रधानमंत्री जो देश को मिला है, वो कहीं ना कहीं गठबंधन हो चाहे कोई भी हो, हमने 2014 में भी गठबंधन धर्म का पालन किया था, 2019 में भी किया था और 2024 में यही चीज रिपीट हो रही है। मुझे लगता है आंकड़े जरूर अलग है, लेकिन आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के जैसा जो विजन हमने प्रस्तुत किया है 2047 तक का, निश्चित तौर पर वही इंप्लीमेंट होगा। आरके मिश्रा जी, आंकड़ों से फर्क तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि आंकड़ों से फर्क नहीं पड़ता, इसे बीजेपी अच्छी तरह समझती होगी। अजय वर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। अजय वर्मा जी, शाम को प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे वहां जा रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं और उनकी टीम को और उनके 42 गठबंधन के सहयोगियों को, जिसको सम्मान से बुलाएंगे वो लोग वहां जाएंगे। खड़गे जी को आया है फोन अभी, मैं हमारे राहुल जी को या सोनिया जी को या और अन्य नेताओं को कोई फोन नहीं है, तो ये भाजपा का अपना तरीका है किसको बुलाना नहीं बुलाना है। लेकिन मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं, किसी को संडे नहीं मनाना, सरकार बनाए अच्छी बातें चलाएं। नरेंद्र मोदी जी की भाषा में कितना बदलाव है, अब 200 बार कम से कम एनडीए एनडीए एनडीए, 10 साल से 14 के बाद 24 हो गया, एनडीए कभी याद नहीं आया, 42 दल हालांकि उनके साथ थे, तो ये संख्या बल का फर्क होता है। अब मैं की जगह मित्रों, ये मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार। अब ये भाषा शैली बदल के अब आ गया है हम, मैं की जगह हम आ गया है, तो ये जो परिवर्तन है ये प्रकृति का नियम है, अरे वोट परिवर्तन के लिए डले। तीसरी बात, महिला जो है देश में 70 करोड़ है, 50% का वादा था, आज ये 50 या 60 मंत्री बना रहे हैं, तो इसमें कम से कम 15 या 10 महिलाएं तो प्रधानमंत्री जी को बनानी चाहिए थी। वो इतनी मेहनती स्मृति ईरानी और वो इनकी नई सांसद युवाओं को मौका दे कंगना रनौत, उन दोनों का नाम जो है यहां नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी को हराया था उन्होंने पिछली बार, स्मृति जी के लिए कांग्रेस की तरफ से इतने अच्छे बोल बड़े दिनों बाद सुनने को दिख रहे हैं। सुन लीजिए, निर्मला रमण जी को तो वो बना रहे हैं बिना चुनाव लड़े और बिना उसके भी, लेकिन मैं चाह रहा था कि कंगना रनौत का जो योगदान, सराहनीय योगदान प्रदेश में और देश में सरकार को बनवाने में रहा है, स्मृति ईरानी का जो सराहनीय योगदान भाजपा को चलाने में रहा है, तो मुझे उम्मीद थी कि दोनों जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, हालांकि इनका अपना मामला है ये किसको बनाए या नहीं बनाए। लेकिन मेरा नहीं लग रहा है अजय जी, आप खुश नहीं लग रहे? मेरा राजीव जी साफ साफ ये है कि वो जो थी मोदी की गारंटी और जो नारा था एक अगली बार 400 पार, जिसमें आप जैसे, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपको, मैं उसी लहजे में भी ले रहा हूँ। खड़गे जी जा रहे हैं, शपथ ग्रहण का आज समय है। आरके मिश्रा जी देखिए, सबको समय देना, आपको भी दिया। आरके मिश्रा जी, प्रधानमंत्री महिलाओं को उचित जगह नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस नेता ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस की अपनी तकलीफ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो मतलब विजन है या उनकी जो टीम है, आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं का जिस तरह से वहां पर एक रिप्रेजेंटेशन दिया कैबिनेट के अंदर में, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर में जिस तरह से महिलाओं का अपमान करने की कोशिश की, अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से इनके ही प्रवक्ता जो मंडी से गए उसके भाव के बारे में पूछते थे, आज वही वहां से सांसद
होकर के जब कंगना रावत निकल रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों चलिए ठीक है ठीक है, ये आपसे बहस का वक्त नहीं है क्योंकि क्योंकि आज शपथ ग्रहण होने वाला है। आलोक मेहता सर, आलोक मेहता सर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और आलोक मेहता सर, अब तक की चर्चा में कई एक ऐसे बयान निकले हैं जैसे अभी बीजेपी के नेता ने कहा कि आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है फर्क तो पड़ता है आंकड़ों से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सवाल मैंने पहले भी पूछा था, गुजरात से लेकर पिछली दो सरकारों तक एक बहुमत को उन्होंने लीड किया है जहां पर बीजेपी बहुमत में रही, पहली बार बीजेपी बहुमत में नहीं है। प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए राजीव जी, आज से नहीं, तीन दिन से ये बहस चल रही है और मैंने आज अपना अखबार दिया, आपने टाइम नहीं मिला होगा, पढ़िएगा, अंग्रेजी में भी छपा है। वो 75 में जब अंडरग्राउंड थे और वो RSS के वर्कर ही थे और उस समय से उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस से भूमिगत रह करके कैसे क्या मदद किया जाए, फिर उसके बाद रविंद्र वर्मा कांग्रेस ही थे, कट्टर मतलब बड़े सीनियर, बाद में मंत्री भी रहे वो जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस से अलग हो गए थे, तो उन्होंने कहा अरे भाई आपका तो अलग वो है हमारे विचार से, तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम सबको साथ लेकर चलना जानते हैं। आई एम टॉकिंग 75 और उस ज़माने की बात कर रहा हूँ 77। इसलिए जो लोग उनको जानते हैं और बाद में जब संगठन में यहाँ रहे बीजेपी के, तब वो चूँकि तब भी मैं दिल्ली, तब तो मैं दिल्ली में था, 75 में मैं गुजरात में ही था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप ये देखिए कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, बंसीलाल जी से मैं भी मिला हूँ और चौटाला से भी, बंसीलाल और चौटाला को उस ज़माने में जोड़ना 2001 के समय में, उनके साथ संबंध, फारूक के साथ तालमेल, कोलेशन कैसे चलता है, उसमें पर्दे के पीछे भूमिका, हर चीज़ पर्दे पर नहीं होती। मैं आपके साथ बैठ करके कई मीटिंग में बात करता हूँ तो पर्दे पर थोड़ी होती है। मेरा ये मानना है कि इस तरह का ये कहना और ब्रेक हम, मैं अपने दर्शकों को बताना है, 16 इंडिपेंडेंट जो वो हैं सांसद, उन्होंने एक तरह से प्रत्यक्ष या जो भी होगा अभी उसकी फॉर्मेलिटी अनाउंसमेंट हो जाएगा, वो लोग इसी सरकार के समर्थन में आ गए, तैयार हो गए, 16 तो हो गए, उसके बाद अभी और भी लोग आएंगे, तो ये बहुमत तो वैसे भी है, अभी भी पहले बहुमत है भारी, 295 तो फिगर है ही, लेकिन मेरा ये मानना है कि 272 ही जब पूरा हो जाएगा तो ये प्रेशर की बात जो भी कर रहे हैं ना, उनके सारे जाले दूर जाएंगे। और प्रायोरिटी ये नहीं है कि कल ही जाके कानून बदल दें, कल ही जाके 370 कर दें, आपको ये सोचना चाहिए कि मनमोहन सिंह सरकार का क्या था, नरसिंह राव को तो खरीदना पड़ा था सांसद रिश्वत कांड में, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जो बेटे जेल में हैं, मैंने पार्लियामेंट की गैलरी से देखा है और लिखा भी है उस समय, तो खैर अखबार में ही थे, हम संपादक थे हिंदुस्तान में, वर्दी मोहन जी हमारे साथ थे, कैसे सांसदों को रिश्वत दे के खरीदा गया, अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, लोग देश को और विकास के लिए चाहे वो उड़ीसा हो, आज देखिए कितने बड़े पैमाने पर समर्थन दिया, और चंद्रबाबू नायडू है, आप देखिए वो कहाँ जाएंगे, अमरावती को बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपया कौन देगा, उनकी हालत खराब है, बिहार की हालत कितनी खराब है, लेकिन बिहार का डेवलपमेंट में जो बीजेपी ने पैसा दिया, आज इसके वजह से सीटें आई हैं नीतीश कुमार जी की, ये कहना, और भ्रष्ट लोग बने जिनको कह सकते हैं, जिन पर इतने दाग हैं, अभी फिर जेल जाने वाले हैं, CBI ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, वो प्रोसेस है, हम तो कहते थे आपने अभी तक क्यों देर कर दिया, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी जब जेल जाएंगी, अब चुनाव फिर आने वाला है, अब उसमें आप कहेंगे चुनाव आ रहा है इसलिए आप जेल भेज रहे, अरे भाई 10 साल का केस चल रहा है, आप तारीख पर तारीख लेते रहते हैं, अपना जवाब नहीं देते। अच्छा तो जी, आपको कैबिनेट कैसी लग रही है, मतलब फिलहाल जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश भी की गई है, युवा एनर्जी, युवा चेहरे की बात PM कर रहे थे, वो भी हम देख रहे हैं कि नजर आ रहे हैं, और जिससे कह रहे थे जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ के जो अहम पद हैं वो रखने के लिए जो है बीजेपी ने बाकियों को तैयार किया कि वो हमारे पास ही रहें, फिलहाल खैर इसका खुलासा होगा, खैर अभी बहुत जल्दी कुछ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, 2014 का फिर वो वक्त याद आता है कि जब कोई खड़ा होता था तब पता लगता था कि ये शपथ लेने वाले में ये सरप्राइज भी है। जी आलोक सर। सचिन जी देखिए, इसमें ये बड़ा, अभी चूंकि मैं थोड़ा तीखी बातें कह दी, लेकिन मैं कहूँगा देखिए होता ये है, और आई एम नॉट डिफेंडिंग गवर्नमेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, देखिए सीनियर लोग जो अभी इस कैबिनेट में थे, तो फाइनेंस, विदेश, गृह मंत्रालय, इनमें कोई चेंज एक तो मैंने, हो सकता है उनको मंत्रालय बदल सकता है एक दूसरे सर को। सर माफी तो, के साथ आपको रोक रहा हूँ, आपने बात पूरी करें, महाराष्ट्र से 6 मंत्री शपथ लेंगे, ये बड़ी खबर यहाँ पर इस वक्त सामने आ रही है। महाराष्ट्र की बात करें, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, मुरलीधर रक्षा खट से मंत्री बनने की तैयारी में है, शिवसेना शिंदे से प्रताप राव यादव मंत्री बनने के लिए तैयार हैं, और RPI प्रमुख रामदास अठावले, जिनके बारे में करीब करीब माना जाता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं।
हैं तो ये खबर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शाम के नामों पर बहुत ज्यादा ध्यान हर एक का भी है, पब्लिक भी, जनता भी, जो हमारा इस वक्त टीवी चैनल देख रही है वो भी जानना चाहती है कि मोदी 3.0 तीसरी सरकार में वो कौन से चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल का सदस्य होने वाले हैं। एक बार शपथ ले लें उसके बाद इस बात की चर्चा होगी कि कैबिनेट में कौन कौन है और MOS कौन बन रहा है। आलोक सर अपनी बात पूरी करें। जैसे अभी तो आप पूरे पूरे हम तो उस पर दिखा रहे हैं कि कौन लोग मंत्री बन रहे हैं, उन्होंने चाय पर बुलाया इसलिए कोई अब सरप्राइज नहीं बचा है। ये ठीक है कि सबसे बड़ी बात बिहार के इंटरव्यू भी दे रहे हैं जी, और बिहार की हम बात कर रहे थे, रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे जी, आप कहने को पॉलिटिकल कहिए लेकिन इतने समय से राज्यसभा में थे, बहुत शांत भाव से काम करते हैं, बिहार में मंत्री रहे हैं, ऐसे ईमानदार लोग विश्वसनीय, जैसा अभी सचिन आपने पूछा था, मेरा कहना है हो सकता है हर एक का अलग अलग जजमेंट हो सकता है, कोई राकेश जी कहेंगे नहीं ये बहुत अच्छे है, मेरी राय हो सकती है कि वो फलाना अच्छा है, तो ऐसी इस तरह की ओपिनियन जरूर अलग अलग होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कैबिनेट में लोग हैं मिक्स एक है, कुछ लोग तैयार किए जाते हैं, कुछ लोगों को आगे के लिए कौन क्या काम कर IT में, जैसे पीयूष गोयल है वो वित्त मंत्री भी बन सकते हैं, जो पहले मुझे लगता था निर्मला जी को नहीं लिया जाए और निर्मला जी को कोई और बड़ा काम दे दिया जाए। अश्विनी वैष्णव भी है, जयशंकर ने जितना बड़ा काम किया देखिए, सात देशों के सब लोग आए पाकिस्तान को छोड़ करके, इस तरह के संबंधों वाले लोग और नए लोग दोनों को, चिराग पासवान है, खाली इसको चुनाव की दृष्टि से या जाति की दृष्टि से न देखिए तो मुझे लगता है कि अलग ऑब्जेक्टिव राज्य को साधना है और बाकी सब चीजें हैं। लेकिन एक और चीज है ना, PM जब विजन की बात करते हैं, राकेश भाई जब विजन की बात की जाती है जिसमें जाहिर सी बात है वो सड़कों को लेकर के गडकरी ने जो काम किया है और जिस तरीके का काम जो है रेलवे को लेकर के अद्भुत तरीके से हुआ, अश्विनी वैष्णव लगे हुए हैं और यहाँ पर आलोचना भी होती है लेकिन PM जानते हैं वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो रेल है वो भी आनी है, तो कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जुड़े मंत्रियों को ही कंटिन्यू किया जाएगा, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमन या विदेश मंत्रालय, विदेश पॉलिसी को लेकर के जिस तरह से S. Jayashankar मुखर रहे हैं? देखिए रोड और ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात है, अगर मोदी 1.0 या 2.0 की बात करें तो अगर जो विभाग जिस तरह से तेजी से काम किया है उसमें से एक है नितिन गडकरी का मंत्रालय, और हमें नहीं लगता है कि इस मंत्रालय में उनको डिसकंटिन्यू किया जाएगा, ये काम को वो और आगे बढ़ाते रहेंगे। वही बात करें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का, अश्विनी वैष्णव ने जहाँ पूरे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने वंदे भारत की जो ट्रेन आपने देखी कि किस तरह से पूरे जो है बदल देने का उन्होंने काम किया है, और आने वाले में उनसे परसों मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि राकेश जी आपको दिखाई देगा कि 3.0 में आपको रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा, जिस तरह से वेटिंग जो है नो कोई ऐसी आपको जो रिजर्वेशन सभी लोगों को मिलेगा, और उसको लेकर एक बृहद योजना पर काम चल रहा है जो कि मोदी 3.0 की महत्वपूर्ण एक एजेंडा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी एक्सीडेंट कुछ जगहों पर हुई है जिसको मैंने मिनिमाइज किया है, लेकिन उसको जीरो किस तरह से किया जाए उस पर हमारी कार्य योजना तैयार है, और उसको लेकर दो तीन देशों के जो जो हाई टेक्निक तकनीक को इस्तेमाल करते हैं वो उनसे लगातार कार्य योजना पर चर्चा चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और जहाँ तक विदेश मंत्री की बात है, S. Jayashankar की विदेश नीति को आपने देखा कि किस तरह से चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मसले रहे हैं उसको सुलझाने का काम हो, और आक्रामक तरीके से चाहे अमेरिका हो चाहे जर्मनी हो फ्रांस हो तो उसका माकूल जवाब भी देते रहें, तो ऐसी स्थिति में इन मंत्रालयों में हमें नहीं लगता है कि कोई गुंजाइश है चेंजेस का, ऐसे विशेष अधिकार प्रधानमंत्री का, किसी का विभाग रिटेन कर सकते हैं, किसी का विभाग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये विभाग ये मंत्री रिटेन करेंगे जी। अरविंद जी कुछ कहना चाहते हैं? मुझे दो चीज़ें कहनी है, एक तो ये है कि प्रधानमंत्री पुराने मंत्रियों के बारे में तो उनकी राय बहुत साफ हो गई जी, उसका उनका मूल्यांकन अपने ढंग से उन्होंने किया है और उस हिसाब से पहले उनको बढ़ावा देते रहे हैं, तो एक मूल्यांकन तो वो होगा किसी को मंत्री बनाने या रिटेन करने में, एक दूसरा मूल्यांकन लोगों ने किया है इस चुनाव में और उसको वो नज़रअंदाज कर दें प्रधानमंत्री, ये नहीं हो सकता। जिन मंत्रियों के बारे में, जिन मंत्रालयों के बारे में लोगों का नज़रिया अलग आया है चुनाव से, उसको भी प्रधानमंत्री नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ असल में और ज़्यादा अभी कि अगर आप गठबंधन सरकार बनाते हैं तो आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपको उनको भी उसमें समायोजित करना होगा, और इन दोनों मंत्रालयों जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, इन दोनों मंत्रालयों के बारे में जो चर्चा बाहर है उसमें ये है कि रेल की मांग कौन कर रहा है, सड़क परिवहन की मांग कौन कर रहा है, तो
वो भी देखने की बात होगी कि इन दबाव नहीं, हमने 4-19 में देखा है ना, 4 और 4 में और 2009 में देखा है ना सर वजीद सर, कि हम क्या बात कर रहे होते थे कि उस वक्त भी गठबंधन की सरकार थी कि यूपीए सरकार, मलाईदार मंत्रालय किसके पास जा रहा है, मांग कौन रहा है, मतलब अब ठीक है वो शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो नेता लोग आते हैं अपनी राज्य की राजनीति है, जीतन मांझी है, वो बिहार के लिए जो है विकास के लिए वो अपने तरीके से एक इनडायरेक्ट वे में एक मंत्रालय किसी की जो है वो मांग कर रहे थे, वो भी एक बड़ा मंत्रालय था, इस तरह से जैसे अरविंद जी कह रहे थे वो मांग तो कहीं ना कहीं वो बार्गेन तो उन्होंने किया ही होगा। नहीं, पर मेरे को लगता है कि भाई रेल और जो विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनमें शायद ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि आम जन में एक अच्छा मैसेज है। गडकरी भी उतने लोकप्रिय हुए हैं अपने काम से कि कह सकते हैं वे प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से जगह जगह जाना जाता है, गांव-गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में गडकरी भी पहचाने जाते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मुझे नहीं लगता कि गडकरी के अलावा किसी और, तो बड़ा फ्लोट किया गया कि गडकरी जी कोई बना दो पीएम। लेकिन अब मेरी दिलचस्पी इस बात पे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये तीन मंत्रालयों में किसको क्या दिया जाता है, कौन क्या होता है। अभी तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि अमित शाह भी मंत्री बनेंगे, सभी नाम जैसे सामने आ गए जो पुराने थे सभी मंत्री बनेंगे, लेकिन मेरा इन तीन बड़े मंत्रालयों पे रहेगा। एक स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर खबर आई है कि वो सहयोगी दल मांग रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय दे सकते हैं। दूसरे जो भी मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, ये TDP की जैसे डिमांड है हो सकता है उनको दे दें, लेकिन एक 2-3 मंत्रालय जिनकी वजह से सरकार को वोट मिला है, सरकार की कहीं ना कहीं वंदे भारत ट्रेन या आसमानी वैष्णव जो योजनाएं ला रहे हैं, बुलेट ट्रेन का जो मामला चल रहा है, और कई तरीके, जैसे मैं आज देख रहा था कि बिहार में भी कहा जाता है कि अब सड़कें जो किसी जमाने बहुत उबड़ खबड़ थे, हाईवे वगैरह, वो भी कहते हैं बहुत अच्छे हो गए हैं। कहीं ना कहीं सड़क एक बहुत बड़ा मैसेज है सरकार के लिए कि काम हो रहा है। अजीत सर, आप बात एकदम सही कह रहे हैं, आप दबावों का जिक्र कर रहे हैं और आलोक सर बगल में ही बैठे हुए हैं। आलोक सर, आपने कहा दबावों से पार पा जाएंगे, तो ये दबाव तो आएंगे ही आएंगे, और मेरे ख्याल से सरप्राइजेस के लिए भी तैयार रहना होगा क्या? राजीव जी, आप, मैं इसलिए थोड़ा असहमत इसलिए हूँ इस बात से, दबाव क्या होता है जो शीर्ष स्तर पर यदि समझौते जब होते हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो दो, जब अमरावती का भूमि पूजन, कल आपने देखा होगा, अपने यहाँ भी चला है कि किस तरह से उसका भूमि पूजन किया गया था कि अमरावती बनाई जाए, चंद्रबाबू नायडू चले गए वहाँ से, तो उनका इंटरेस्ट राज्यों में है। नीतीश कुमार को बिहार में मुँह दिखाना तब है जब उनके लिए कई हजार करोड़ की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, सड़क बनने से वो 12 सीट ला पाए। आज उन्होंने जो काम किया, मैं गया था हाल में बिहार, और जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे कि वो स्थायी भविष्य के लिए, हमने कभी सड़क नीतीश जी ने, अटल जी ने बनवाई थी, या इंदिरा गांधी, अमेठी संजय गांधी ने बनवाई थी, आज उसका फायदा मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि दबाव, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी, देखिए यूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी इस्तीफा देने चले गए थे और मनमोहन सिंह ने भी कहा था मैं इस्तीफा देता हूँ जब ज़्यादा दबाव आया था, ये कहना, वो तो उन्होंने भलमन साथ थी और वो चूँकि चुनाव नहीं लड़ सकते थे कहीं, इसलिए वो नहीं दबे रहे, वरना तो जिस तरह से राहुल गांधी ने बेइज्जती की थी वो इस्तीफा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। नरेंद्र मोदी उस तरह के व्यक्ति नहीं है, और ये समझौते पहले, मैं फिर से कहूँ सर, सर 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 बहुत बहुत खास बात आप बता रहे हैं, और शायद हम इस पर चर्चा आगे भी करेंगे कि ये दबाव किस तरीके का उपजेगा, कहीं ऐसी स्थिति आगे तो नहीं होने वाली। खैर, अनन्या इस वक्त बड़ी खबर के साथ मेरे साथ जुड़ गई हैं, ओवर टू अनन्या। बिल्कुल राजीव, बड़ी खबर का रुख करने से पहले क्या होने वाली है मोदी 3.0 की तस्वीर, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए बड़ी खबर, मोदी सरकार में गुजरात से 5 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। अमित शाह, मनसुख मंडाविया फिर मंत्री बनेंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। देखिए अमित शाह, अभी इससे पहले चर्चा गृह मंत्रालय को लेकर हो रही थी, और कहा जा रहा था खास मेहमानों की तरफ से, देखना होगा कि ये मंत्रालय किसके पास जाता है। निबूबेन पटेल को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अमित शाह, मनसुख मंडाविया को भी मंत्रालय दिया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी देखिए मिल रही है। मोदी सरकार में गुजरात से 5 मंत्री शपथ लेंगे। देखिए गुजरात वो राज्य है जहां पर बीजेपी ने इस बार भी प्रदर्शन जो है वो बहुत शानदार किया है। हालांकि एक सीट जो है वो फिलहाल कांग्रेस के खाते में गई, और इस बार CR पटेल को भी मौका मिल सकता है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। देखिए किस राज्य को कितनी तरजीह जो है वो मोदी कैबिनेट में दी जाएगी, उसको लेकर जो तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं उसका हम एक बार रुख कर रहे हैं। देखिए अमित शाह, मनसुख मंडाविया फिर मंत्री बन सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो गुजरात को लेकर जो फिलहाल खबर है उसमें ये कहा जा रहा है कि गुजरात से जो है वो 5
मंत्री बनाए जा सकते हैं। देखिए 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं और ये अपने आप में बेहद अहम है। वहीं एक तरफ बिहार को लेकर खबर आ रही है कि लगभग 6 या 8 मंत्री वहां से बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजीव एक बार जरा जो खास मेहमान है उनसे इस पर चर्चा करिए कि 5 मंत्री गुजरात से, जहां पर एक सीट जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस के खाते में गई है सिर्फ, बाकी सारी सीटें बीजेपी जीती है। ठीक है, आलोक सर मेरे साथ जुड़े हैं। आलोक सर अपनी बात पूरी कर लें आप। जी मैं अभी यही कह रहा था कि देखिए जिस तरह के दबाव होते हैं उस तरह के नहीं, उनमें जो शीर्ष नेता हैं वो कुछ बातें रखते हैं कि हमारा ये इंटरेस्ट है। जैसे आईटी जो आपने देखा होगा हैदराबाद, मैंने एक ज़माने में देखा 82 में, और अब देखिए हैदराबाद को चंद्रबाबू नायडू ने कैसा बनाया तेलंगाना बनने पहले, से पहले सीओ मुख्यमंत्री कहलाए इस वक्त हैदराबाद को उन्होंने, और बहुत चमत्कारी, बल्कि मुलायम सिंह के साथ भी एक बार मुझे जाना हुआ जब सुखोई खरीदा गया था, चंद्रबाबू नायडू से तब भी मेरी मुलाकात हुई थी। तो किस तरह से उन्होंने बाद में हाल में बीच कुछ वर्ष पहले गया 2-3 साल पहले, तो कितना वहाँ पर काम हुआ, तो अमरावती बनाना या कैसे उसको जो पिछड़ गया है उसको फिर वापस उस पर लाना, तो मुझे लगता है कि इन सबकी प्रायोरिटी जो है, या नीतीश के साथ भी जो और लोग हैं उनका भविष्य उनको नहीं बनाना है। ठीक है, थोड़ी बात रिक्वेस्ट की तरह कह सकते हैं या बड़े लेवल पर फैसले होते। देखिए हर बार ये कहना, दबाव जो पहले होते थे, इंदिरा गांधी भी दबाव नहीं सहती थी, चरण सिंह को कितना आसानी से वो छोड़ के चले गए, ये सब उस परंपरा के लोग हैं। कर्पूरी ठाकुर ने कितनी बार बदला, तो ये कहना कि नीतीश ने बदला, कर्पूरी ठाकुर ने 6 बार कभी सोशलिस्ट पार्टी, कभी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कभी जॉर्ज फर्नांडिस, कभी कोई, लेकिन वो ईमानदार आदमी थे। ईमानदार आदमी खतरे लेकर के दबाव में नहीं आता, ये एक जवाब याद रखे तो सारे जवाब मिल जाएंगे। राकेश सिंह क्या आप भी इसी से सहमत हैं, क्या प्रधानमंत्री इसी तरीके का रुख अपनाएंगे? देखिए प्रधानमंत्री का जो मिजाज रहा है अब तक का राजीव, उसमें ये कि वो समझौतावादी या झुकने वाले उस तरह की रणनीति पर वो काम नहीं करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने देखा है उनको, जब विपरीत परिस्थितियां रही उसके बावजूद उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया था। और मोदी 1.0 और 2.0 की बात करें तो स्थितियां कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री संसद में, आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया लेकिन प्रधानमंत्री झुके नहीं, नहीं कि आपके मसलों को लेकर कोई समझौतावादी या कोई बातचीत का रास्ता इस तरह से अपनाया जाए जो कि सरकार जो है झुकते हुए दिखाई दिए। तो प्रधानमंत्री उन चीजों पर अगर सही बात है तो आप अच्छा राकेश जी एक चर्चा ये भी है कि आज जो शपथ ग्रहण होने वाला है ये भी कहीं बहुत उन दबावों के कुछ हिस्से का एक मेल है, क्योंकि सहयोगियों ने भी कुछ नाम दिए होंगे और उसके बाद तय किया गया होगा, क्या ऐसा ही है? देखिए जहां तक दबाव की बात है, आपको मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि जीतन राम मांझी जो है, जब उनको सूचना दी गई कि आपको मंत्री पद के लिए एक जो डिनेटेड मिनिस्टर के रूप में आप जो है चाय पर आमंत्रित हैं प्रधानमंत्री की 7 LKM आवास पर। राकेश जी आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, अनुराग ठाकुर इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पढ़ाए जहाँ तक मोदी मंत्रिमंडल का और आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें आज मन की बात से जुड़े हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर विकसित भारत अभियान को चलाने वाले सभी वो महानुभाव हैं, यहाँ पर नमो ऐप पर जुड़ने वाले वो महानुभाव हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इसमें भाग लेने आए हैं। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है, अपना काम किया है, और इनकी पहचान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में कभी उल्लेख किया, कभी विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में। तो मुझे लगता है इनके लिए भी बहुत हर्ष का पल है कि ये लोग भी आज मोदी जी के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में जुड़े हैं, और मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरे निवास स्थान पर आए हैं। हम यहाँ से शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे और वहाँ पर शामिल होंगे। सर जो मंत्रिमंडल बन रहा है बहुत कुछ का ध्यान रखा गया है, कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, क्या कहेंगे सर इस? सबको बहुत बधाई, क्योंकि मोदी जी की जो रफ्तार है काम करने की और जो शानदार काम 10 सालों में किया, अब 5 सालों में उससे आगे बढ़कर करना है, सबको ढेरों शुभकामनाएं। सर एक सवाल उठता है, तो ठीक है, सवा 2 घंटे बाद यानी 7:15